नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। जेके में बढ़ रही घटनाओं के बीच अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं। जेके नादीहाल के पास संदिग्ध आईईडी विस्फोटक का पता लगने के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, आर्टिकल 370 पर आए प्रस्ताव को लेकर विवाद। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे ने जारी किया शिवसेना का घोषणा पत्र। महाराष्ट्र चुनाव, आज नागपुर में 3 रैलियां करेंगे शरद पवार, कल हिंगणघाट में भी करेंगे सभा। दिल्ली सराय काले खां गैंगरेप केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। पराली जलाने वालों पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना, केंद्र सरकार का फैसला। बेटी को दामाद ने 10वीं मंजिल से फेंका, रिटायर्ड जज, 11 साल के बेटे ने दी सूचना, लखनऊ में अफसर पति पर एफआईआर। लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 3 गिरफ्तार। लखीमपुर में मीटर चेकिंग के दौरान बहाने घुसे थे, वहीं एक के पैर में लगी गोली। इंदौर से रीवा के लिए आज रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। नोएडा जीआईपी मॉल की 4थी मंजिल से कूदकर महिला ने की आत्महत्या, जांच शुरू। बंद पड़ी जेट एयरवेज की सब परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश, कोर्ट ने एनसीएलटी का फैसला किया खारिज। 2000 नशीले कैप्सूल के साथ 2 युवक पकड़े, साधुवाली में बारामासी नहर की पटरी पर धड़ दबोचा। उमर अब्दुल्ला को चुनौती, झारखंड महाराष्ट्र में बोलकर दिखाएं कि भारत का बंटवारा चाहते हैं, कहा स्मृति ईरानी ने। मनमानी तरीके से सरकारी नौकरी के नियम नहीं बदल सकते, राजस्थान नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के साथ फिर से आने पर दिया बड़ा बयान, बोली वे सीएम पद की रेस में नहीं। ट्रंप बोले, भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं, पीएम मोदी से दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से जीता 3रा वनडे मैच। राहुल गांधी की लाल किताब पर बवाल, बीजेपी बोली सिर्फ कोरा कागज। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।